मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल वन में बंगाल को 174 रन से हराकर रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली है। आखिरी बार मध्य प्रदेश 1999 में रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची थी। फाइनल में उसका मुकाबला मुंबई से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में मुंबई ने यूपी को पहली पारी में बढ़त के आधार पर हराया। रणजी ट्रॉफी 2022 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश ने बंगाल को 174 रनों से हराकर 24 साल बाद भारत के इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। इस मैच में मध्य प्रदेश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और पहली पारी में 341 रन और दूसरी पारी में 281 रन बनाए। जवाब में बंगाल की पहली पारी 273 रनों पर सिमट गई और मध्य प्रदेश से मिले 294 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बंगाल टीम दूसरी पारी में 175 रनों पर ऑल आउट हो गई। बंगाल की तरफ से कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन 78 रन के अलावा और कोई बल्लेबाज ज्यादा रन नहीं बना सका और बंगाल इस मैच को 174 रनों से हार गया। मध्य प्रदेश से मिले 349 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अंतिम दिन बंगाल ने 4 विकेट खोकर 96 रनों से आगे खेलना शुरू किया, लेकिन बंगाल दूसरी पारी में 175 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस मैच में मध्य प्रदेश के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। कुमार कार्तिकेय ने 67 रन देकर सर्वाधिक 5 विकेट झटके, जबकि गौरव यादव 3 और सारण सेन को भी 2 विकेट मिले। इस जीत के साथ ही मध्य प्रदेश 23 साल बाद रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गई है। इससे पहले उसने साल 1998-1999 में इस ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी प्रदेश। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।